guys, we are the another vlog from Vizag. Vizag, sorry, Vishakhapatnam. We drink chalte. Train chalte. Suraj nikal raha. Thandi thandi hawa aa rahi hai. देखने और कहाँ कहाँ मुश्किल है इसे तो जवाब से जा रहे हैं आप भी जाएंगे तो रमजान ऊपर तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख एक हुक्म पे असहाब मका छोड़ के निकले बागात जहां थे वो वहां छोड़ के निकले निकले तो पीछे सारा जहां छोड़ के निकले हत्ता के वापसी का घुमा छोड़ के निकले तू भी तो तकाजों पे निकलने का मजा दे अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल 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 निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो तौहीद के दाई को रफाकत की खबर दो दावत की जमात को मगफिरत की खबर दो इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो आ चल के तू भी धूल में धुलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख तौहीद के शाहीन तेरा काम गश्त है बहुत बहुत शुक्रिया महल नलिया हड्डिया ब्रिगेडियर नको मना मेरी हड्डिया चूस के खाए सर का चम चम के चूस दे रहा और तमाम बात के दोबारा फल लाने के इंतजाम हो रहे हैं हदीस शरीफ से एक बेहतरीन सबक और भी हासिल होता है वो ये दूसरा जो है और
जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरह वसूल करता है, बहुत सवेरे जुमा के लिए जाता है, इमाम के बिल्कुल करीब बैठता है और खुतबा तवज्जो से सुनता है, इस दौरान खामोश रहता है, तो वो जितने कदम चलकर मस्जिद आता है उससे हर कदम के बदले साल भर की तहज्जुद और साल भर के रोज़ा सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरह वसूल करता है, बहुत सवेरे जुमा के लिए जाता है, इमाम के बिल्कुल करीब बैठता है और खुतबा तवज्जो से सुनता है, इस दौरान खामोश रहता है, तो वो जितने कदम चलकर मस्जिद आता है उस हर कदम के बदले साल भर की तहज्जुद और साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। हज़रत अबू ने इरशाद फरमाते हुए सुना, वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक का दरमियानी औकात है। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा की घड़ी के बारे में इरशाद फरमाते हुए सुना, वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक का दरमियानी वक्त है। फ़ायदा, जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी की तायुन के बारे में और भी हदीसें है, लिहाजा इस पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ और इबादत का अहतमाम करना चाहिए। सूरह बनी इसराइल का आयत का तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया और रात के बाद हिस्से में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, जो कि आपके लिए 5 नमाजों के अलावा एक जायद नमाज है। उम्मीद है कि इस तहज्जुद पढ़ने की वजह से आपके रब आपको मुकाम महमूद में जगह देंगे। इसराइल की आयत का तर्जुमा, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया और रात के बाद हिस्से में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, जो कि आपके लिए 5 नमाजों के अलावा एक जायद नमाज है। उम्मीद है कि इस तहज्जुद पढ़ने की वजह से आपके रब आपको मकाम महमूद में जगह देंगे। फ़ायदा, क़यामत में जब सब लोग परेशान होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर इस परेशानी से निजात मिलेगी और हिसाब किताब शुरू होगा। इस सिफारिश के हक को मुकाम महमूद कहते हैं। हज़रत अब्दुलरहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान के महीने का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज किए हैं और महीने तुम्हारे लिए इसकी तरावी को सुन्नत करार दिया। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर व इनाम के शौक़ में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावी पढ़ता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अब्दुलरहमान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान के महीने का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज किए हैं और महीने तुम्हारे लिए इसकी तरावी को सुन्नत करार दिया। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर व इनाम के शौक में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावी पढ़ता है, वह गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसा कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के ज़िम्मे इसकी जिस्म के एक एक जोड़ का
सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। हर बार सुबहानल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और हर जोड़ की शुक्र की अदायगी के लिए चास के वक्त दो रकात पढ़ना काफ़ी हो जाता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के ज़िम्मे इसके जिस्म के एक एक जोड़ के सलामत इनके अंदर पूरे अल्जात की आयत तर्जुमा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में दूसरों के बैठने के लिए गुंजाइश कर दो, तुम आने वाले को जगह दे दिया करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देंगे, और जब किसी जरूरत की वजह से तुम्हें कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह ताला इस हुक्म को उसकी तरह दूसरे मत मानने की वजह से तुम में से ईमान वालों के और जिन्हें इल्म दीन दिया गया है उनके दर्जे बुलंद करेंगे और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में दूसरों के बैठने के लिए गुंजाइश कर दो तो तुम आने वालों को जगह दे दिया करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देंगे, और जब किसी जरूरत की वजह से तुम्हें कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह ताला इस हुक्म को उसी तरह दूसरे मत मानने की वजह से तुम में से ईमान वालों के और जिन्हें इल्म दीन दिया गया है उनके दर्जात बुलंद करेंगे, हुक्म मानने की वजह से ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जात को बुलंद करेंगे, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। सूरह अल-बकरा की आयत का तर्जुमा, अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या गजब है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म तो करते हो और अपनी खबर भी नहीं लेते, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो जिसका तकाजा ये था कि तुम इल्म पर अमल करते, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते। सूरह अल-बकरा की आयत का तर्जुमा, अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या गजब है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म तो करते हो और अपनी खबर भी नहीं लेते, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो जिसका तकाजा ये है कि तुम इल्म पर अमल करते, तो फिर क्या तुम كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اسلام زندہ باد یہ के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही अल्लाह हर शहर गांव में ये दीन फैलाए हर शहर गांव में ये दीन फैलाए अल्लाह नबी का माशाल्लाह ये डंका बजाए यहां सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है भाई कैसा दिख रहा आपको माशाल्लाह से ना दुनिया की चाहत ना माल की चाहत ये पक्के अंदर आ गए नेक्स्ट का है गेट 4 पे जाने का है कितनी टाइम है रे भाई अरे बिर क्या कर रहा रे भाई हाय रे मेरा ऑनबोर्डिंग पेपर कहाँ है इनकी कितनी जरूरत करना है कि रे भाई भैया मुफ्ती भी है इधर ये जान माल वक्त
सब अपना लगा कर ये जान माल वक्त सब अपना लगा कर पहुँचाई दीन को हर शख्स के घर घर पहुँचाई दीन को हर शख्स के घर घर ये गालियाँ सुनकर तशद्दुद को भी सह कर ये गालियाँ सुनकर तशद्दुद को भी सह कर हर वक्त ये करते रहे उम्मत की बस फिक्र ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही साजिद के भी तुम एक इल्तिजा सुन लो साजिद के भी तुम एक इल्तिजा सुन लो अल्लाह नबी के मेहमा को न छेड़ो अल्लाह नबी के मेहमा को न छेड़ो गर हाथ उठाए खाली न वो आए गर हाथ उठाए खाली न वो आए कहार आसमां से पत्थर को गिराए ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही और सब्र का बेकर दिलों में उनका प्यार और सब्र का बेकर यकीन होगा तुझको लग जाए माहचा यकीन होगा तुझको लग जाए माहचा पहले करेगा तेरी भरपूर खिदमत पहले करेगा तेरी भरपूर खिदमत बतलाए तुझको बाद में वो दीन की बुनियाद ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही ये दीन के दाई ये दीन के सिपाही ये अमन के जामिन ये अमन के राही I'm
फिर जाएंगे आपके होते हुए हम कहाँ सरकार फिर जाएंगे आपके होते हुए हाल दिल किसको सुना सुनाए आपके होते हुए।
मेरे तो दो बैग हैं माशाल्लाह अपने बैगों तो अपने कने है इला बैगों का वेट कर रहे बेचारे एक घंटे से अपने बैग अपने साथ में थे अरे क्या कीजिए भी रहे भाई खाली लल्लेटा लगे खाली पब्लिक है खाने वाले अरे टाइम पास व्लॉग बना के चल देते हो गया और आपको मालूम है साथ का ये हजार YouTube के व्लॉगर है अरे अब सबको बोल लेते बैठो तुम पूरा जवाब में पूरा विशाखापट्टनम में पूरा ऐलान करे सो बस नहीं है अरे हमारे जुबेर भाई नहीं 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 बोल के ऐसे हमारे जुबेर भाई अरे जा भाई जा बोला ले बोला बाती को तो ठहरे वाला तो आगे फोटो लेके भैया अच्छी है भाई मेरा शौक मैं लेके बताया सामने वाले को बताया लेके और अच्छा अच्छा चल जा दे अच्छी थी होगी बेकार थी होगी पांच मिनट में डिजाइन को इस शूटिंग से डाल लाए ये बोले ले बोले वीडियो में आ गया बोल के बोल वीडियो में भी आ गया की बात ही नहीं अच्छी थी कैमरा का और अपना मैं जस्ट के लिए वो अपना
लेकिन S21 और S20 में दर्रा भी नफरत का सारी फिजिकल चीज था ऊपर, इसलिए S21 से ज्यादा S22 बिका। आते ही फोन जो मार्केट में नोट के साथ दिख रहा ना भाई, बोल के अदन पीछे गया S20 ये वाले भी S20 को बेच के S22 को ले लिए, S21 को ले लिए। रहूं हर घड़ी तेरी याद में, तेरे प्यार के लम्हात दे मुझे, दिन दे अपने ख्याल का, मुझे अपने कुर्ब की रात दे, रहूं हर घड़ी तेरी याद में, तेरे प्यार के लम्हात दे। तेरा जिक्र हो मेरा मशगला, जीरे लब फकत तेरी बात दे। तेरा जिक्र हो मेरा मशगला, जीरे लब फकत। अल्हम्दुलिल्लाह पांच दिन की जमात में जाके आ गए, वही ट्रेन से आ गए प्लेन से। इंशाल्लाह विल सी नेक्स्ट व्लॉग।